साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन, सभी साथी आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। साथियों आज के इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं निबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी साथी लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों, आज रात्रि 10 बजे के आसपास दोस्तों ये आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है या जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, ये बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं दोस्तों, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं ये नोट्स, ठीक है। और दोस्तों क्रमबद्ध कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, ट्रिक भी है इसमें, ठीक है। और 21 जून से नया बैच चालू हो रहा है दोस्तों, 21 जून से नया बैच चालू है टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य का। सो सभी साथी मात्र 1500 रुपये में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें रोज 2 लाइव क्लास है, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा रोज 1, रिकॉर्डेड भी रहेगा दोस्तों, ट्रिकी वीडियो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि नए पैटर्न पर आधारित हैं दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सभी साथी आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आपका राइट आंसर पहला क्वेश्चन आ गया है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है, नाम क्या है बताइए। और एक बार जल्दी से दोस्तों अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, बाल मुकुंद गुप्त कृत निबंध संग्रह का नाम क्या है, आपको चयन करना है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या जा रहा है यहां पर। बाल मुकुंद गुप्त निबंध पढ़ रहे हैं तो निबंध की विधाओं को भी परखते जाना कि कौन से निबंध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि बताइए इस रचना की विधा क्या है, ठीक है। तो विधा भी आपको पता होनी चाहिए, चयन करिए फटाक से। और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर बाल मुकुंद गुप्त का आपने पूछा है तो इनका है जो निबंध संग्रह वो है शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर, तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक कौन है, तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक बताना है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से, तुलसीदास चंदन घिसे इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास चंदन घिसे, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ कौन माने जाते, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। और लाइक जरूर करते हैं हमारे सभी साथी आ जाएं फटाफट से, तुलसीदास चंदन घिसे, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपको मैंने कई बार बताया है कि सर तुलसीदास चंदन घिसे यानी कि इसके जो हैं वो हरिशंकर परसाई हैं, ये निबंध हरिशंकर परसाई जी का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आचरण की सभ्यता आपको बताना है, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता इसके रचनाकार कौन है, आचरण की सभ्यता सभी लोग बताएंगे, आचरण की सभ्यता कैसी होनी चाहिए, आचरण की सभ्यता कम होनी चाहिए या पूर्ण होनी चाहिए बताएं जल्दी से। दीक्षा यादव, रिंकू जी, जस्वी पाठक जी, आचरण की सभ्यता कैसी होनी चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है और शेयर कर दो फटाक से। और आपको पता है कि सर आचरण की सभ्यता जो निबंध है और आचरण की सभ्यता कैसी होनी चाहिए, पूर्ण पूर्ण होनी चाहिए, तो पूर्ण सह, पूर्ण सह, अध्यापक पूर्ण सह का ये निबंध है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर, बी नंबर सही चला गया, वेरी गुड। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, ठेले पर हिमालय 4 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पढ़ा है दोस्तों, ठेले पर हिमालय बताइए, रिंका जी, ममता जी, ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है, संतेश कुमार जी, चयन करिए। और सभी को पता है कि सर ठेले पर हिमालय है ना, ठेले पर हिमालय लेके आ जाते हैं कौन, धर्मवीर, हाथ में हिमालय लेके आ जाते हैं ठेले पर, तो ठीक है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुटच के लेखक कौन है, कुटच 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुटच के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल है, विद्यानिवास है या फिर कुबेरनाथ राय, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुटच के लेखक कौन है, कुटच के बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुटच के लेखक 5 नंबर में। और कई बार अपन ने पढ़ा कि सर हजारों बार कुटे, कुटे कितने बार, हजारों बार कुटे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, हजारों बार कुटे, ठीक है, ये नंबर राइट, बहुत बढ़िया। चितवन की छाए निबंध संग्रह, ये चितवन की छाए कई बार पूछा गया, 6 नंबर का क्वेश्चन, चितवन की छाए बताना है, निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, गुरुप्रीत जी, संगीता जी, सभी लोग बताइए। और एक बार जल्दी से शेयर कर दें दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें हमारे सभी साथी, चितवन की छाए
निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है। और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। चितवन की छाए, बोले चितवन की छाए में हम विद्या अर्जित करते हैं। काय की छाए में करते हैं? चितवन की। तो यहां पर विद्या निवास मिश्र हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चक्कर के लब बताना है दोस्तों, चक्कर के लब के रचनाकार कौन है? और जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक करो, शेयर कर दो अपने साथियों को जल्दी जल्दी से, फटाफट आ जाए। चक्कर के लब के रचनाकार कौन है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर पर तो नोट्स आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। चक्कर के लब के रचनाकार कौन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चक्कर के लब बताना है। तो आपका उत्तर क्या है, चक्कर के लब के रचनाकार? चक्कर के लब अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी। 7 नंबर का क्वेश्चन है और 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका यशपाल चला गया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, चक्कर के लब के रचनाकार कौन है? यशपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड आंसर। देखो यहां पर यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? 8 नंबर में यथार्थवाद और छायावाद, ज्योति मौर्जी चयन करिए जल्दी से, परमिंदर जी यथार्थवाद और छायावाद बताना है, चंद्र प्रकाश जी, जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर मुकुटधर पांडे। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? 8 का उत्तर बताना है, 8 नंबर का उत्तर बताना है। जिनको भी नोट्स चाहिए है आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, 2 पार्ट में है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार बताना है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर 8 नंबर का उत्तर है प्रसाद लगा दो। यथार्थवाद और छायावाद का क्या करना है? प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर है जयशंकर प्रसाद है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? 9 नंबर का क्वेश्चन है, रोहित पटेल जी बताइए जल्दी से, फटाफट से। सुषमा सिंह जी, विश्वास मलिक जी, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? किस नाम से प्रकाशित हुआ? चिंतामणि बताना, विचार, विचार कौस्तुभ नाम से, विचार मणि, विचार बैन या फिर विचार बीथी नाम से। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर है कि सर ये जो चिंतामणि है ये विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो विचार बीथी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, विचार बीति नाम से प्रकाशित हुआ था। मारेसी मोही कोठाओ और कछुआ धर्म, ये निबंध किसका है? मारेसी मोही कोठाओ और कछुआ धर्म निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय का, बाल मुकुंद गुप्त का, गुलेरी जी का, सरदार पूर्ण सिंह का? बताओ रोहित जी, मारेसी मोही कोठाओ। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो फटाक से, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले। मारीसी मोही कोठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? बिंदिया जी चयन करिए। और आपको पता है कि सर कछुआ का धर्म यानी कि गुलेरी, गुलेरी अपन को याद कर लेना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, मारीसी मोही कोठाओ और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी नंबर बिल्कुल सही है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्या निवास मिश्र हैं? चयन करो, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी लोग बताएंगे कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। निबंध संग्रह शब्दिता, इसके निबंधकार कौन माने जाते हैं? कौन बताएगा? लवली ठाकुर जी, शब्दिता एक इसका निबंध है। शब्दिता निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है? और उत्तर आपने चयन किया है कि सर शब्दिता आपने पूछा है, यानी कि आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है धर्मवीर भारती। ठीक है, ये शब्दिता
आपका राइट आंसर चला गया दोस्तों कि सर धर्मवीर भारती लगा दो, ये इनका निबंध है, शब्दिता के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भौ निबंध के लेखक कौन है। भौ निबंध पूछा गया आपसे, पंडित विद्या निवास है, सरदार पूर्ण से, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। भौ निबंध के लेखक कौन है बबीता जी, बताइए भौ निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। पंडित विद्या निवास, सरदार पूर्ण से, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। 12 नंबर का क्वेश्चन है। और भौ निबंध का क्या होता है, भौ निबंध का प्रताप होता है। भौ भौ अगर कोई आके पीछे से आपको भौ कर दे भौ, तो भौ का प्रताप होता कि नहीं, भौ का प्रताप होते प्रताप, तो प्रताप नारायण मिश्र भौ। ठीक है, ये डी नंबर प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है दोस्तों। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले निबंधकार कौन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, रामरक्ष बेनीपुरी या फिर गुलाब राय। 13 नंबर में संगीता जी बताइए, अलका ठाकुर जी, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले निबंधकार कौन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और पत्रकारिता के स्तर पर 13 का क्वेश्चन, राइट आंसर क्या आता है, बबीता जी ने बताया कि सर रामरक्ष बेनीपुरी, ये पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले निबंधकार हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अब बताओ ये कथन किसका है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है, कथन किसका है बताओ। रोहित जी, मायाराम जी चयन करो, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन चयन करो फटाक से, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपने उत्तर लगाया था कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली, किसे प्रसिद्धि मिली बताओ, अज्ञे जी को मिली क्या, सुबह तक नहीं चलेगी एक क्लास तो एक 40 मिनट चलती है। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली, अज्ञे को, सरदार पूर्ण से, विद्या निवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल को। 15 नंबर का क्वेश्चन, विनोद जी मायाराम सभी लोग बताएंगे, ललित निबंधकार के रूप में या निम्न में से ललित निबंधकार कौन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा कि सर ललित निबंधकार के रूप में जो प्रसिद्धि मिली है वो प्रसिद्धि मिली है विद्या निवास मिश्र को। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विद्या निवास मिश्र आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन, विचार के क्षण। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, ये पूछा गया है, तो देखो क्या आंसर जा रहा है। विचार और अनुभूति तो है, विचार और विश्लेषण, ये विश्लेषण है, विश्लेषण विचार और विश्लेषण भी है। ठीक है, विचार और विवेचन भी है, फिर कौन सा निबंध नहीं है डॉक्टर नगेंद्र का, तो आपका उत्तर क्या जा रहा है। प्रमांशु जी आपका उत्तर है, रश्मि पाठक जी विचार के क्षण, ये जो निबंध है ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध नहीं है, बाकी विचार और अनुभूति है, विचार विश्लेषण है, विचार और विवेचन भी है। सदाचार का ताबीज बताइए, 17 नंबर में किसका निबंध है, सदाचार का ताबीज निबंध की रचना का, सरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल या रामनारायण उपाध्याय, सदाचार का ताबीज बताना है। मनु जी जल्दी से बताइए, अंजू जी सदाचार का ताबीज किसकी रचना है, किसकी रचना है 17 नंबर में, ठीक है। श्री वर्मा जी ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस
सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कर लो। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है 17 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और 17 नंबर में आपका उत्तर चला जा रहा कि सर हरिशंकर परसाई जी का निबंध है सदाचार का ताबीज बी नंबर, ठीक है। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के रचनाकार कौन है 18 नंबर, मध्यकालीन धर्म साधना रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद या फिर विश्वनाथ प्रसाद। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध किसका है 18 का उत्तर बताना है, 18 में चयन करना है। बताइए जिया यादव जी, रोही जी, शर्मा जी, लाइक जरूर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो फटाफट से। मध्यकालीन धर्म साधना ये निबंध किसका है 18 नंबर में पूछा गया है, और आपको पता है कि सर मध्यकाल में धर्म साधना हजारों लोग करते थे, मध्यकाल में धर्म साधना कितने लोग करते थे हजारों, तो हजारों से क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे, भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखा करते थे, विद्या निवास जी, बाल मुकुंद जी, विश्वंबर नाथ शर्मा या फिर कुबेर नाथ राय। भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखा करते थे 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। 19 नंबर में भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखा करता था, और सभी लोगों के आंसर आ गए कि सर विद्या निवास मिश्र जो है ये भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नंबर निधि जी बहुत बढ़िया। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, सरद जोशी, केपी सक्सेना। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है बताइए जल्दी से। सरोज जी, निधि जी, रोहित, सौरभ वर्मा जी सभी लोग चयन करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। भूत के पांव ये किसकी व्यंग रचना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। भूत के पांव व्यंग रचना किसकी है, और 20 का उत्तर जा रहा है कि सर हरिशंकर परसाई, लगा दो भूत के पांव पीछे, है ना, भूत के पांव पीछे, ये बी नंबर हरिशंकर परसाई जी, इनका दोस्तों व्यंग रचना मानी जाती है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर चला गया, राइट आंसर चला गया एसपी यादव जी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, बुद्धि तत्व बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है बताओ। अलका जी चयन करो जल्दी से, बुद्धि तत्व बताना है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, बुद्धि तत्व बताना है प्रमुख होता है, भावात्मक निबंधों में, वर्णात्मक निबंधों में, विवरणात्मक निबंधों में या फिर विचारात्मक निबंधों में, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। और सही आंसर बताना है किस प्रकार के निबंधों में, और आपका उत्तर चला गया कि सर विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व क्या होता है प्रमुख होता है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है दोस्तों, 22 नंबर में हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बताना है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल, रोहित पटेल जी बताइए, दीक्षा जी, पूनम रानी जी, पवन कांत जी सभी लोग बताएं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, शुक्ल योग या फिर शुक्लोत्तर योग, 22 नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 22 नंबर में हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है, उत्कर्ष काल बताना है, बताइए अनुज कुमार जी, उत्कर्ष काल कौन सा है हिंदी निबंध का, 22 का उत्तर, और 22 का उत्तर है कि सर शुक्ल युग, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। शिल्पा कुमारी जी, ये 1500 रुपए का कोर्स है, 1500 रुपए का, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में, 21 जून से नया बैच स्टार्ट होगा, शुरुआत से अध्ययन करेंगे। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बताना है, शुक्ल युग माना जाता है दोस्तों। जिंदगी मुस्काई इसके रचनाकार कौन है, जिंदगी मुस्काई बनारसीदास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर राम वृक्ष बेनीपुरी, 23 नंबर जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार बताना है, नीतू गुप्ता जी, रोहित पटेल जी, सरोजबित सिबी जी, जिंदगी मुस्कुरा जाएगी बोले सर, लिखते हैं कौन सा ही आंसर बता पाता है यहां पर,
और जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के नोट्स अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिंदगी मुस्काई, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बनारसीदास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी बोले सर कन्हैया आ जाए कन्हैया जी तो जिंदगी मुस्का जाएगी, यानी आपका उत्तर सी नंबर, सी नंबर सही। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, 24 नंबर में कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, बालकर्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। अच्छा क्वेश्चन सौरभ वर्मा जी, आज का टेस्ट कौन कौन ने दिया है और जल्दी से बताओ हाथ खड़ा करके, आज का टेस्ट किस किस ने दिया है, आज का टेस्ट किस किस ने दिया है। प्रीति जी, हिंदी कौन सा भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं 24 नंबर के क्वेश्चन में, और बालकर्ण भट्ट तो है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, किस युग के, भारतेंदु युग के। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर, ठीक है। बाकी प्रताप नारायण श्रीनिवास ये तो है बी नंबर, ये भारतेंदु युग के नहीं है, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीगरा किसका है, किस किसने लगाया आज का टेस्ट बताइए पटापट से, किसी ने नहीं लगाया, सुनैना वर्मा जी ने बस लगाया क्या, मंजू ने, कैसा रहा आज का टेस्ट बताइए जल्दी से, किस किसने लगाया, दो तीन लोगों ने बस लगाया क्या, मोहित जी, तेज प्रकाश जी का कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, तो बोले कैसे देखा आपने, बोले मैंने विद्या से देखा, विद्या निवास मिश्र, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर है विद्या निवास मिश्र, ये नंबर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, रसज्ञ रंजन की रचनाकार कौन है, रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी या फिर बालकर्ण भट्ट, रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है, पुष्पा जी बताइए, पूनम, रश्मि पाठक, सभी लोग बताएंगे, रसज्ञ रंजन जल्दी से, रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है, शांति वर्मा जी, रसज्ञ रंजन इसके रचनाकार बताना है, चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। निकिता जी बताइए, बिंदुलता जी, रसज्ञ रंजन यानी 26 नंबर का क्वेश्चन है, और 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन, ठीक है। जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भूलना नहीं है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। आत्मनिपद, आत्मनिपद के रचनाकार, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, आत्मनिपद इसके रचनाकार बताना है, अशोक, अशोक जी 73 नंबर आए आपके, बहुत बढ़िया, सौम्य से 59, आरुषि, तो आत्मनिपद के रचनाकार कौन है, आत्मनिपद बताना है, अज्ञे, हजारी प्रसाद, बालकर्ण भट्ट या फिर नगेंद्र, आत्माने, मैंने आपसे पूछा कि आत्माने पद पढ़ लिए, तो आप क्या बोलोगे कि अज्ञे, आत्माने पद पढ़ लिए, बोले अज्ञे, तो आत्मने पद इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, अज्ञे जी माने जाते हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, आत्मने पद, ठीक है, आत्मने पद, ये नंबर अज्ञे आपका राइट आंसर है। विचार प्रवाह के रचनाकार कौन है, विचार प्रवाह बताना है, ममता जी, अर्चना जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, विचार प्रवाह के रचनाकार बताना है, पूनम रानी जी, निधि दुबे जी, विचार प्रवाह बताइए, पवन कांत जी, चैन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन भी साथियों को दोस्तों ये हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप अपने घर पर ये नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मोहित जी, विचार प्रवाह के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद है, अज्ञे है, नागार्जुन है या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, और आपका उत्तर है कि सर विचार का प्रवाह जो होता है वो तो हजारों बार होता है, विचार का प्रवाह कितने बार होता है, तो आपका उत्तर है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर, विचार का प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारों बार होता है क्योंकि विचारों का प्रवाह है, ठीक है। तो उत्तर कहां चला गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर, ठीक है। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, गुलाब किसका प्रतीक है बताओ, गेहूं और गुलाब में
गुलाब किसका प्रतीक है? प्रेमांशु जी बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक दोस्तों निबंध लिखा गया हूं और गुलाब, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? बिंदिया जी जल्दी से चयन करो, वीडियो को शेयर कर दो अपने साथियों को, जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप नोट्स मंगवा सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है 29 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर गुलाब जो है ये कला और संस्कृति का प्रतीक है, कला और संस्कृति का प्रतीक है, यानी आपका उत्तर बी नंबर सही है। ठीक है, कला और संस्कृति का प्रतीक आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूं, ये कथन बताइए किसका है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूं, ये कथन किसका है? रोहित पटेल जी, पूनम रानी जी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से बताना। बिंदिया जी, गुरप्रीत जी, सभी लोग चयन करें, वीडियो को लाइक कर दें। इस क्लास के बाद एक और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आएगी जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने और 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक कथन है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इन्होंने कहा था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का क्या हूं पक्षपाती हूं, द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, द्विवेदी जी का यहां पर कला और संस्कृति आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन पोखरा, यहां पर पहले पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं अपन, पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है? कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है बताइए फटाफट से, कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऐ जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, रूपक अलंकार का एक उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? सभी लोगों ने बताया कि सर है जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से, है ना, एक राम घनश्याम ये तो है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल ये भी है, मैया में तो चंद्र खिलौना ये भी है, लेकिन आपका है जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही, दो नंबर, बी नंबर आपका सही है। शुद्ध वाक्य को चुने, शुद्ध वाक्य को चुने, ये सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने देखते देखते, देखते देखते है सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, चयन करिए जल्दी से। संगीता सिंह जी, मुकेश यादव जी, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, वीडियो को लाइक कर दें और निरंतर दोस्तों अध्ययन करें। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है राजीव जी। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखते हैं राइट आंसर चला जाएगा, बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं कि देखते देखते सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने, या उनकी आंखों के सामने देखते देखते है सब कुछ हो गया, तो ये आंखों के सामने देखते देखते, यानी कि दोस्तों आपका ये 4 नंबर बिल्कुल सही है, 4 नंबर यानी डी नंबर सुनैना जी, डी नंबर राधा जी, ठीक है आपका सही है, उनकी आंखों के सामने देखते देखते है सब कुछ हो गया। ठीक है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना, 3 नंबर भाभी शिक्षिका जी बताइए, आकाश पाताल एक करना निधि जी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश पाताल बहुत अधिक मेहनत करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, बहुत कम प्रयत्न करना, या फिर बहुत कम प्रयत्न करना, आकाश पाताल एक करना। सभी लोग बताना है, बहुत ही बढ़िया, उत्तर तो आपके सामने है दोस्तों, उत्तर तो आपको पता ही है कि सर बहुत अधिक प्रयत्न करना, करना यानी कि आपका उत्तर बी नंबर, आकाश पाताल एक करना बी नंबर आपका सही है। देखो उपमा जी ये बता रही हैं, यहां पर कराना है, कराना बहुत अधिक मेहनत, कराना कराना नहीं,
बहुत अधिक प्रयत्न करना, ठीक है। दो नंबर, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन पोखरा, पुष्कर तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची है? बताओ, पुष्कर का एक अन्य पर्यायवाची क्या है? पुष्कर, पोखरा या फिर सर? सरोज, सरोवर, पंकज या मेघ वाहन? पुष्कर का पर्यायवाची बताना है। रमा शर्मा जी बताइए, रोहित जी, पुष्कर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चयन करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। पुष्कर का पर्यायवाची बताना है। और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करना है। पोखरा का पुष्कर तथा सर का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राजीव मौर्य जी, अस्मित जी, सभी को पता कि सर सरोवर कहेंगे उसे, बी नंबर सरोवर आपका बिल्कुल सही है। उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का बताना है, उदय का बताइए। उदय का अस्ता, आसत, आस्त या फिर अस्त? उदय का विलोम क्या होगा? किट्टू जी, उदय का माया राम जी, चंदा देवी जी, ब्रजेश कुमार, चयन करिए। उदय का विलोम, तो सभी को पता है कि सर उदय का जो विलोम है वो हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त, यानी डी नंबर, अस्त आपका सही है, वेरी गुड। अनुग्रह, अनुकंपा, आदि, आदि व्याधि, इन समुच्चार शब्दों के क्रमशः, क्रमशः दोस्तों सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनना है। सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनो। यहां पर अनुग्रह की सही पंक्ति क्या है, अनुकंपा की क्या है, आदि और व्याधि, इसके लिए बताओ। अनुग्रह और अनुकंपा और आदि व्याधि, इन समुच्चार शब्दों की क्रमशः अर्थ बताना है। दया करना, शारीरिक रोग, कृपा करना या फिर मानसिक रोग। तो छह नंबर का क्वेश्चन है। अनुग्रह और अनुकंपा, और आपका उत्तर है यहां पर कि सर कृपा करना अनुग्रह, अनुकंपा दया करना, आदि मतलब होता है मानसिक पीड़ा, और व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग, ठीक है। तो ये आपका जो दो नंबर का उत्तर है, बी नंबर है, वो आपने बिल्कुल सही चयन किया है, बी नंबर, ठीक है। पीतांबर, पीत सागर, सॉरी, पीत सागर में कौन सा समास है? पीत सागर में कौन सा समास है भैया? अव्यय भाव है क्या, कर्मधारा है, बहुव्रीही या फिर द्विगु समास है? राधिका जी बताइए, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी ऐप डाउनलोड करेंगे। 21 जून से आपका एक नया बैच चालू होगा जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें आपको अध्ययन करना है। पीत सागर में कौन सा समास है, ये सात नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अव्यय भाव, कर्मधारा है, बहुव्रीही या फिर द्विगु समास? पीत सागर का पूछा गया, सात नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। और साथ में आपको पता ही है कि सर पीत सागर है ना, उत्तर हो जाएगा कर्मधाराय समास, यानी बी नंबर, पीत सागर में कर्मधाराय समास आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कर्मधाराय राइट आंसर, वेरी गुड। जिसके हृदय में ममता नहीं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्भय कहेंगे, निर्दय कहेंगे, निष्ठुर या निर्मम? बताओ, जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए क्या कहेंगे? अनुका बालिया जी बताइए, आठ नंबर का क्वेश्चन है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहित पटेल, भावना गंगवार जी, उसको क्या कहेंगे? और सर जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम कहेंगे क्या? आ रहा राइट आंसर, निर्मम, बहुत बढ़िया, निर्मम बता दिया आपने, निर्मम यानी डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ नहीं है? ये नंबर छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दुकान वाला, दस नंबर का क्वेश्चन, ला वाला दुकान या फिर दू? दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दस नंबर का क्वेश्चन है। शांति वर्मा, देशराज गुर्जर जी बताइए जल्दी से यहां पर, दुकान वाला में। और ये रात्रि 9 बजे रोज क्लास होती है दोस्तों, आपको रोज पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ते रहना है, अध्ययन करना है। जितने से ज्यादा अध्ययन कर सको उतना ज्यादा अध्ययन करिए, जितना ज्यादा अभ्यास कर सको दोस्तों उतना ज्यादा अभ्यास करिए। दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है?
ऐसा 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको पता है कि सर इसमें बाला प्रत्यय है। बाला प्रत्यय आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। उमा देवी जी, सुमन यादव जी, परमिंदर जी, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। नोट्स मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये नोट्स हिंदी साहित्य के नोट्स हैं दोस्तों, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दो पार्ट में ये नोट्स हैं। आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें किया गया है ना। क्रमबद्ध टॉपिक हैं और दोस्तों इसमें ट्रिक भी हैं, क्रमबद्ध रचनाएं भी हैं और ट्रिक भी हैं, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना है आप घर बैठे ये नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। 21 जून से नया बैच चालू है टीजीटी पीजीटी के लिए, आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। संतोष जी शिवपुरी से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, नोट्स है के लिए संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मात्र 1500 रुपए में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं और इसी प्रकार से लगे रहें, अध्ययन करते रहें, निरंतर अभ्यास करना है। दीक्षा, ममता, वंदना जी, शिल्पा जी, सरिता, माया जी, विजय, पूनम, रेखा जी, मंजू जी, ठीक है, स्मार्ट आयुष जी, मीनाक्षी जी, सरोज, जसबीर जी, रोहित जी, रिंकू जी। एक क्लास और दोस्तों अभी आएगी आप लोगों के लिए, बहुत ही बम्पर बम्पर क्लास आएगी, अभ्यास के लिए आएगी। अभ्यास के लिए रिंकू जी, मीनाक्षी जी, लबडी ठाकुर जी, विश्वास जी, मंजू जी, पार्वती देवी, जसबीर, विजय गुप्ता जी, ठीक है, और संतोष जी, बिल्कुल है ना, किट्टू जी, रमा शर्मा, स्मार्ट जी, सुनैना, दीक्षा यादव जी, जसबीर सिंह जी, सभी को धन्यवाद। सविता देवी, ठीक है, पवन जी, अस्मित जी, नीलम जी, राजीव, सभी साथियों को